हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं क्यूब रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर। अभी तक हमने क्या किया था कि जो क्यूब फाइंड किया है, क्यूब रूट जो भी देखा है हमने, तो अभी तक सिर्फ पॉजिटिव नंबर का देखा है। लेकिन अब हमें क्या फाइंड करना है? नेगेटिव नंबर का। जब भी हम नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर लिखा है कि इफ़ ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन होता है तो पॉजिटिव इंटीजर बोला जाएगा। तब यहाँ पे क्या है, माइनस ए इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। माइनस नेगेटिव इंटीजर क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस है, तो हमें क्या पता है, जैसे माइनस ए की पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या है, माइनस ए का क्यूब। क्योंकि माइनस पहले लिख लिया हमने, माइनस पहले कैसे लिख लिया, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा माइनस 2 क्यूब इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 इक्वल टू, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो रहा है और ये वाला माइनस रह गया, तो यानी कि 2 क्यूब, तो इस टाइप से लिखा जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट में क्या होता है कि अगर माइनस ए का क्यूब यहाँ पे दे रखा है, और इसमें हम क्या करेंगे, जब यहाँ से क्यूब रूट हटाएंगे तो माइनस का एक ए आ जाएगा। तो ए आने का मतलब है कि क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव परफेक्ट क्यूब इज़ अ नेगेटिव, यानी कि जब भी हम नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो नेगेटिव नंबर ही आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमने यहाँ पे माइनस 27 का क्यूब रूट फाइंड करना है, तो जब भी माइनस 27 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख लिया माइनस का 27, तो ये माइनस हम बाहर भी तो लिख सकते हैं, तो अंडर रूट क्यूब रूट 27। तो सबसे पहले हमने 27 का प्राइम फैक्टर यहाँ पे लिखा, और हमने देखा कि यहाँ पे एक पेयर मिल रहा है हमें 3 का, तो इस 3 में से एक 3 के पेयर में से एक 3 बाहर लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें नेगेटिव नंबर के लिए बोला गया है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे इसका क्या वैल्यू आएगा, क्योंकि हमने जब 27 का रूट फाइंड किया क्यूब रूट, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 3, लेकिन माइनस है तो यहाँ पे माइनस भी लगाएंगे। तो ऐसे हम नेगेटिव नंबर्स का क्यूब रूट फाइंड करते हैं।